6 देखिए क्या कर रहा है, अधिकतमीकरण करें, मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। यहाँ पे लिखेंगे दिए गए रैखिक असमीकाओं को रैखिक समीकरणों में बदलने पर, रैखिक समीकरणों में बदलने पर क्या हो जाएगा, यहाँ x प्लस वाई इक्वल टू में 5 और यहाँ x प्लस 2y इक्वल टू में 6। चलिए हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं दो चार्ट, ठीक है। ध्यान से देखिए यहाँ, अब इसको थोड़ा समझिए, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए x y। अब इसके बाद यहाँ पर देखते हैं, x का 0 रखेंगे तो y क्या 5, y का 0 रखेंगे तो x का 5। यहाँ पे देखिए x का 0 रखेंगे तो y क्या 3 आ जाएगा, ठीक है, और y का 0 रखेंगे तो x का 6 आ जाएगा। अब चलिए हम लोग इसके लिए इसका ग्राफ यहाँ बनाते हैं। चलिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं x एक्सिस और इस पर ले लेते हैं हम लोग यहाँ पर y एक्सिस। ध्यान से देखिए x x डैश y और नीचे यहाँ ले लेते हैं y डैश, ठीक है। 5 तक 6 तक लेना है हाईएस्ट, 1 2 3 4 5 6, पॉजिटिव में ही जाने वाले हैं, नेगेटिव में तो जाने वाले हैं नहीं, ठीक है, तो कोई जरूरत नहीं है, इतना ही काफी है दिखाना। चलिए देखिए x का 0 y का 5, तो ये 5 हो जाएगा, 1 2 3 4 5, 0 5 और फिर 5 0। तो इन दोनों से होकर जाने वाले लाइन की बात करेंगे तो वो इस तरह से कुछ जाएगा, ये ना हो जाएगा आपका, ठीक है। ध्यान से देखिए तो इसका इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 5, x प्लस वाई इक्वल टू 5। ये भी देखा डार्क होगी क्योंकि देखो यहाँ पे, यहाँ ग्रेटर देन और इक्वल टू दिया है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, 0 3 0 3 और फिर 6 0 6 0, तो इन दोनों से होकर जाने वाले लाइन की बात करेंगे तो वो लाइन कुछ इस तरह से जाएगा, ठीक है, इसी तरह से ना होगा जी, बिल्कुल इसी तरह से जाएगा। तो ये किसका, इसका समीकरण, इसका समीकरण जो दिया हुआ है x प्लस 2y इक्वल टू में 6। चलिए ध्यान से देखिए, अब देखिए हम लोग अब असमीकाओं को चेक करेंगे, 0 0 पर असमीकाएं क्या होगी, 0 0 पर असमीकाएं तो यहाँ हो जाएगा 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, यानी 0 क्या ग्रेटर है 5 से, या इक्वल है, असत्य है ना, असत्य है। अच्छा दूसरे बारे में चेक करते हैं, 0 प्लस 2 इंटू में 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, यानी कि 0 इज ग्रेटर देन 6, ये भी असत्य है। तो दोनों असत्य हो रहा है, यानी कि दोनों के बाहर, इसके भी बाहर और इसके भी बाहर, यानी कि ये आपका हल क्षेत्र हो जाएगा, ये वाला क्षेत्र जो होगा इसका हल क्षेत्र होगा। तो यह एक बहुभुज नहीं बन रहा है, और इसके कोणीय बिंदु कौन कौन से हो जाएंगे, तो इसके कोणीय बिंदु देखो, एक ये ए, यहाँ प्रतिच्छेद बिंदु बी, इसका निर्देशांक हो जाएगा 5,1, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा सी। तो हम लोग लिख सकते हैं कि हल क्षेत्र एक बहुभुज नहीं है, बहुभुज नहीं है ना, अनबाउंडेड रीजन है ना, अनबाउंडेड रीजन है, देख रहे हैं ना, बहुभुज के रूप में नहीं बन रहा है, एक बहुभुज नहीं है। अच्छा इसके कोणीय बिंदु ए 6 0, बी 5 1 और C 0 5 है। तो जो कोणीय बिंदु से हम लोग यहाँ पे इसका महत्तम मान जो निकालेंगे, वह जरूरी नहीं है कि उसका महत्तम मान रियल महत्तम मान होगा,
तो कैसे पता करेंगे इसके बारे में हम लोग पहले बाद में बात करेंगे, पहले हम लोग यहाँ चार्ट बना के महत्तम मान के बारे में देख लेते हैं। ठीक है चलिए अब इसके बाद देखते हैं हम लोग इसमें चार कॉलम ले लेते हैं। चलिए देखिए कोणीय बिंदु और यहाँ पर ले लेते हैं जेड इक्वल टू माइनस एक्स प्लस टू वाई, यही ना दिया था माइनस एक्स प्लस में टू वाई। चलिए अब इसमें रखते हैं 6 0 5 1 और 0 5 इसमें रखते हैं तो माइनस का 6 यहाँ जाएगा, माइनस का 3 माइनस 5 और प्लस 2 × 1 माइनस 3 आ जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 10। तो मैक्सिमम ये हो रहा है लेकिन ये 10 जो है मैक्सिमम मान हो भी सकता है नहीं भी, मैक्सिमम मान हो भी सकता है या नहीं भी, ये मैक्सिमम वैल्यू हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। तो आगे देखिए तो कैसे पता करेंगे महत्तम मान हो रहा है कि नहीं, तो अब लिखिए हम यहाँ लिख सकते हैं क्यों ऐसा, क्योंकि महत्तम मान हो भी सकता नहीं क्योंकि 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 हल क्षेत्र एक बहुभुज के रूप में नहीं है, बहुभुज के रूप में नहीं है। तो इसलिए क्या करेंगे हम लोग इसको लेंगे माइनस एक्स प्लस टू वाई और इसमें ग्रेटर देन किससे लेंगे, तो ग्रेटर देन जो मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम लोग सोच रहे हैं उसके लिए। चलिए अब इसके लिए इसको क्या करेंगे, दिए गए इसका आलेख खींचेंगे, फिर दिए गए रैखिक असमिका को रैखिक समीकरण में बदलने पर, क्या हो जाएगा माइनस एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू में 10। चलिए अब हम लोग इसके लिए यहाँ पर इसका चार्ट बना लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है चलिए एक्स वाई, एक्स का यहाँ 0 रख देंगे तो वाई का 5 आ जाएगा, वाई का 0 रखेंगे तो एक्स का माइनस का 10 आ जाएगा। तो अगर हम लोग इसका ग्राफ उसमें खींचना चाहें या कोई अदर वैल्यू रख लेते हैं, थोड़ा ये छोटा वैल्यू है माइनस 10 आ जा रहा तो बड़ा हो जा रहा है ग्राफ में आएगा भी नहीं हमसे, तो यहाँ हम लोग वाई के जगह पे यहाँ पे रख दे रहे हैं मान लो 3, तो 2 3 6 6 जाके उधर सब्ट्रैक्ट कर जाएगा, तो 6 जाके उधर सब्ट्रैक्ट करेगा तो 4 यानी एक्स का वैल्यू माइनस का 4 आ जाएगा, तो माइनस 4 जीरो फाइव और माइनस 4 3 जीरो फाइव माइनस 4 3 जीरो फाइव देख रहे हैं ना 0 5 है, एक्स का 0 वाई का 5 0 5 ये रहा और माइनस 4 और 3 माइनस 4 और 3 किधर होगा, एक्स का माइनस 4 1 2 3 4 माइनस 4 और वाई का 3 इसके ऊपर होगा यहाँ पे होगा। ठीक है तो इन दोनों से होकर जाने वाले लाइन को देखेंगे, तो यह लाइन डॉटेड खींचना ध्यान रखना क्योंकि उसमें इनइक्वालिटी में जो नीचे था वह सिर्फ हम लोग उसको ग्रेटर देने वाला सिंबल लिए हैं। ठीक है तो यहाँ जो देख रहे हैं ये जो इसका ग्राफ खींच रहे हैं एक्स माइनस एक्स प्लस टू वाई इज ग्रेटर इज इक्वल टू 10 के लिए, तो ये कहाँ से जा रहा है हल क्षेत्र से होकर जा रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू 10 का आलेख हल क्षेत्र से जा रहा है, हल क्षेत्र से होकर जा रहा है। तो जब हल क्षेत्र से होकर जाएगा तो उसमें उभयनिष्ठ उसके बिंदु मिलेंगे, अतः कह सकते हैं कि z इक्वल टू टेन महत्तम मान नहीं है, यानी कि जो आपके पास ऊपर यहाँ लिख सकते हैं कि z का कोई भी महत्तम मान नहीं होगा, समझ गए ना। और ये आलेख हल क्षेत्र से ऊपर नहीं जाता ना, इसका जो आलेख खींचे हैं तो महत्तम मान हो जाता नहीं तो नहीं है, समझ गए। तो हल क्षेत्र से होकर गया है इसलिए इसका महत्तम मान नहीं होगा, अगर नहीं उसमें से एक भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं मिलते तो हम लोग कह सकते थे कि वह महत्तम मान हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट।